शुरू करते हैं आज का लाइव टेस्ट। पहला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई? अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1571 में। 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर बी। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कृष्णा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह के और लाइव टेस्ट देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? तो लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना रखने की व्यवस्था की है? ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। नेक्स्ट, वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है? वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम गठित सरकारी समितियां कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि सहकारी समितियां। नेक्स्ट है, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखते हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? इसकी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रवण बेल गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल में स्थित है, और जो काबुल है यह अफगानिस्तान में है। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, सरकरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, कच्छ के रण में। ठीक है, सरकरी कहाँ स्थित है? सरकरी स्थित है कच्छ के रण में। निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, और इनका साथ दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की थी, ये क्या थे? तो ये आज़ाद हिंद फौज के चीफ कमांडर थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है डेनमार्क। ठीक है, चलिए, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा की गई थी। वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो बी डी
सावरकर ने, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन 19, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अमर सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो अर्थशास्त्र के लिए ऑप्शन नंबर ए। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, शांति, साहित्य, रसायन, भौतिक, ठीक है, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, उसका सही आंसर है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शांति, रहित, रसायन और भौतिक, ठीक है। पीलिया रोग से संबंधित अंग है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत, लीवर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब समाप्त की थी, तो 1564 में। जजिया कर की समाप्ति कब की गई, 1564 में। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी, पैरों में, ठीक है। नेक्स्ट है, टीकाकरण की खोज किसने की थी, टीकाकरण की खोज किसने की थी, तो टीकाकरण की खोज की थी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो सही आंसर 1979 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अकबर ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की थी, तो इसका सही आंसर है 1571। नेक्स्ट है, केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है, केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है, सही आंसर है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट है, मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की, मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की, सही आंसर है अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर है चिकित्सा शास्त्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप याद रखिए कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई, इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा 1575 में की गई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक से, ठीक है। नेक्स्ट है, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, 1930 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था, तो अकबर ने समाप्त किया था, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया, अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया, 1562 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकट रमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया, वेंकट रमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार रसायन शास्त्र के लिए दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे 40 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।